हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं मुझे संगीता सिंगमान यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्पेशल है। बहुत ही मेहनत से मैंने आज अपनी क्रिएटिविटी आप लोगों के सामने लेके मैं आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो आज की जो वीडियो है वो बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज, ये है हमारी एक डबल बेडशीट जो कि मैं सिर्फ इसीलिए लाई थी क्योंकि मुझे फ्रिल वाली बेडशीट बनानी थी। और इसके लिए मैंने इसको इस पे बिछा लिया है बेड पे, जितनी भी मुझे ज़रूरत है उतनी रख ली है और जो भी एक्स्ट्रा है वो एक साइड से मैंने निकाल दी है। मैंने इसको पहले इसी तरीके से बिछाया कि जो एक जितनी भी एक्स्ट्रा है वो एक ही साइड में निकल जाए, दोनों साइड से मुझे कट नहीं करनी पड़े, तो जिससे जो कपड़ा बचेगा वो मेरे काम आ जाएगा। तो मैंने इसको एक साइड को जितना भी ज़्यादा था उधर को मैंने ज़्यादा निकाल लिया और कैंची से इसको मैंने कट कर लिया है। बहुत इजीली ये कट हो गई है इस बिछाने के बाद। और जो भी सिराने की तरफ को ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें बाद में नीचे दबाने के लिए फोल्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। और फ्रिल लगाने के लिए मैंने एक साड़ी ले ली है। साड़ी को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। जितनी भी इसकी ऊँचाई मुझे रखनी थी वो मैंने ऊपर और नीचे दोनों बॉर्डर एक से थे तो मैंने दोनों साइडें निकाली और जो बीच का हिस्सा था वो मैंने एक्स्ट्रा अलग रख दिया है, वो भी हमारे काम में आने वाला है। उसके बाद हमने जो तीन साइड हैं बेड की, तीन साइड पे हमें फ्रिल लगानी है, तो हमने स्टार्ट कर दिया, एक साइड से शुरुआत कर दी। और जो साड़ी के दो पल्लू मैंने निकाले हैं, दो साइडें निकाली हैं, उनको आपस में जोड़ लिया पहले और बाद में चुन्नट डालते हुए चारों तरफ हमने फ्रिल लगा ली। और जो ये बेडशीट का कपड़ा है वाइट वाला, उसको मैंने जब चुन्नट मैंने डाले तो वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखे क्योंकि साड़ी की जो वो होती है ना धागे होते हैं वो खींचते हैं, खींचने की वजह से ना जब हम धोते हैं इनको तो वो उसमें दिक्कत आती है और वो उधड़ने लगती है, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। और उसका मैं आपको बताऊँगी यूज़ कि उसका हमें क्या करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि मैंने इसको पहले मैंने फ्रिल लगाई, बाद में मैंने ये देखने के लिए कि ठीक ठाक लगी है या नहीं, इसके बाद मैंने इस पर लगा ली निशान। और निशान लगाने के लिए मैंने इंच टेप रख लिया, जितना भी बड़ा मेरा इंच टेप था उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिए। दो दो मैंने मार्क्स लगाए, दो दो इंच की दूरी से। और मुझे यहाँ पर लगानी है पट्टियाँ लगानी हैं, जो साड़ी के बीच का जो कपड़ा मैंने रेड वाला निकाला था उसकी मुझे यहाँ पर पट्टियाँ लगानी हैं, जिससे कि बेडशीट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है, बहुत ही सुंदर लगने वाली है। और आप देख सकते हैं दो पट्टियाँ, मैंने दो निशान लगाए हैं, फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको। और लगभग 2.25 इंच की दूरी पर मैंने ये लाइनिंग खींची थी, एक तो पैरों की तरफ, जो पैरों का वो होता है ना हमारे बेड जहाँ हमारे पैर रहते हैं उधर के साइड, और एक साइड मैंने दो साइड ही ये दो दो पट्टियाँ लगाई। इससे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टच इसमें आ गया, एकदम मॉडर्न लुक आ गया इसमें। तो गाइज, मैं बोल रही थी ना आपको कि मैंने ये ज़्यादा रखी है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि बाद में फ्रिल लगने के बाद में उल्टी साइड से मैंने, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड से मैंने इसको इस तरीके से मोड़ के इसकी पाइपिंग टाइप लगा ली, तो क्या है ना इसकी जो धागे हैं वो अब निकलेंगे नहीं। उसके बाद मैंने लगा ली ये पट्टियाँ, मैंने लगभग 2.5-3 इंच की लगभग ये मैंने चौड़ाई में पट्टियाँ उतार ली, जो रेड वाला कपड़ा बीच वाला है उसमें से। और मैंने जितना भी मेरा इंच टेप से मेरे पूरे इंच टेप को मेरा निशान लगा था, उतनी बड़ी बड़ी मैंने दो पट्टियाँ उधर से और दो पट्टियाँ उधर से मैंने इसमें लगा ली। आप देख सकते हैं इस तरीके से लगाई हैं, बहुत ही ईजीली ये लग गई, इनमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और निशान लगाने की वजह से एकदम सीधी लग गई है। तो अगर आप इन पर आप इस पर कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं तो आप पहले उसे पेंसिल से या फिर चौक से आप उस पर बना लें तो ये बहुत ही इजीली बन जाता है, हमें मतलब आड़ा तिरछा होने की कोई दिक्कत नहीं होती है। और गाइस, ऐसा नहीं है कि आप वाइट बेडशीट ही लें, आपके पास जो भी कलरफुल बेडशीट हो वो ले सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेन हो, डिज़ाइन वाली भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रिल लगाएंगे तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो मैच करती हुई हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगी।
उसके बाद जो वाइट कपड़ा हमने बेडशीट का बचाया था, निकाला था साइड से, उसके मैं दो पिलो बनाऊंगी छोटे छोटे, ताकि बेड हमारे बेड की जो है जो सुंदरता है वो और ज़्यादा निखर कर आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट ली और उसके ऊपर रख दी, तो उसकी वजह से गोलाई में एकदम इजीली कट गई है और एकदम राउंड शेप में हमारे पिलो तैयार हो गए हैं। दो पिलो मुझे बनाने हैं, तो हमें ये चार तह इसकी रखी थी हमने, दो 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 दोनों पिलो की तय हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया और कपड़े को मैंने लगभग 4, 4.5 इंच के लगभग कपड़ा होगा ये, तो इसको हम मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हमें साइड से इसको तुरपना पड़े, क्योंकि मैं इसकी डबल फ्रिल लगाऊंगी, इसको मोड़ करके फ्रिल लगाऊंगी, तो इसको मुझे पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी इसमें, ना ही मुझे इसको पिको करवानी पड़ेगी, ना ही तुरपन करनी पड़ेगी। और ये उसकी वजह से ना इसकी जो फ्रिल है वो खड़ी रहेगी, मतलब खड़ी रहेगी एकदम, पड़ेगी नहीं, क्योंकि साड़ी का कपड़ा है, मुलायम होता है, तो ऐसा होता है ना कि हम फ्रिल लगाते हैं दिखाने के लिए, शो आए, खड़ी रहे, लेकिन ये गिर जाती है, तो वो चक्कर नहीं होगा इसके साथ में। तो आप देख सकते हैं अंदर की साइड रखते हुए हमें फ्रिल लगा लेनी है इस तरीके से एक कपड़े में, और ऊपर से दूसरा कपड़ा रख के बाद में हमें राउंड शेप में इसको जोड़ देना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। आप चाहें तो फ्रिल को छोटे छोटे चुन्नट डालकर भी बना सकते हैं, या फिर वैसे भी बना सकते हैं। और देखिए मैंने ऊपर से जोड़ने के बाद इसको सीधा कर लिया, और इसके अंदर मैंने डाल दी है रुई, और रुई डालने के बाद जो मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा था जहाँ से रुई डालनी थी उसको भी मैंने सिल दिया है। उसके बाद मेरे पास ये लाल रंग के ही बटन हैं, और मैं बड़ी वाली सुई लूँगी, और उसको मैंने धागे को कई 4-5 बार मोड़ मोड़ के मैंने इसको इसमें डाल लिया है मोटा करके, ताकि ये टूटे ना, और बिल्कुल बीच में मैंने सुई डाल करके दोनों साइडों में ही मैंने ये बटन टांग दिए हैं। तो ये तकिया इतना सुंदर लग रहा है, पहले मैं इसमें कुछ और डिज़ाइन बनाने वाली थी, इसलिए मैंने बीच में एक निशान लगा रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन फिर मैंने अपना आइडिया चेंज कर दिया और इस तरीके से बनाया, क्योंकि मुझे वो आइडिया कुछ पसंद नहीं आया था। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगे बटन लगने के बाद, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम फ्लावर टाइप। और हमारे पिलो भी तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी बेडशीट लगने वाली है गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना प्लीज़, और बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिल जाए और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। गाइज़ आप देख सकते हैं इसको अच्छे से टांकने के बाद मैंने इसमें दूसरी साइड भी लगाया है, इधर भी लगाया है, दोनों साइड लगाने के बाद में मैंने इसमें गांठ लगा दी है, और फिर इसको धागे को साइड में ले जा कर के मैंने इसको काट दिया। तो गाइस देखिए हमारे दोनों पिलो एकदम रेडी हैं, और अब मैं आपको अपनी चादर लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी बेडशीट, फ्रिल वाली बेडशीट एकदम तैयार हो गई है, और आप बताइएगा कैसी लग रही है, एकदम लग रही है ना रेडीमेड जैसी। और देखिए हमारा बेड कितना खूबसूरत लग रहा है, इस चादर से हमारे कमरे में एक अलग ही लुक आ गया है, एकदम शो बढ़ गई है कमरे की। और क्योंकि मेरी जो सराहने वाली दीवार है वो भी रेड कलर की ही है, तो इससे और ज़्यादा मैच कर रही है। और मुझे ना अपनी चादर बहुत ही प्यारी लग रही है, मैं अपने बच्चों से कह रही थी कि इस चादर पे बैठ के कुछ खाना मत और इस पर कुछ गिराना मत, क्योंकि जब वाइट वाइट कपड़े पर अगर दाग लग जाते हैं तो फिर वो आसानी से साफ़ नहीं होते हैं।
लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, बच्चे तो वही करते हैं जो उनका मन करता है। और मेहनत तो मैंने की है तो मुझे फल भी मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कुछ भी क्रिएटिविटी लेके आती हूँ, और आप लोग अगर लाइक करते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ही खुश भी होती हूँ मैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है। और ये मेरी कैट है, चेरी नाम है इसका, और ये भी पता नहीं इसको भी ये चादर अच्छी लग रही है क्या, बार बार यहीं आ रही थी। मैं इसको काफ़ी हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये बार बार बेड पर आए जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो तुम भी आ जाओ वीडियो में। और ये ना ऐसे ही करती है, जब इसको लगता है ना बिस्तर लग गया है नया नया कोई, तो वहीं आकर बैठ जाती है। इसको टीवी देखने का भी बड़ा शौक है, टीवी देखती है बड़े आराम से बैठ के, ऐसा लगता है कितनी कितना सब कुछ समझ रही होगी ये टीवी देख रही है। और गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ये प्रोडक्ट, ऑर्गेन्स की ये प्रोडक्ट हैं और ये काफ़ी नेचुरल हैं। इन्हें मैं लगभग 1.5-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ गाइस। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी। तो गाइस ये जो मुल्तानी मिट्टी है इसको मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ, और बाकी जो शिकाकाई, आंवला और रीठा है इसको मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो इन तीनों को मैं 2-2 चम्मच पानी में डालकर उबाल लेती हूँ 2 गिलास पानी में, और जब वो आधा पानी रह जाता है तो उसको छान करके मैं मेहंदी में घोल लेती हूँ, जिससे कि मेरे बालों में बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है, एकदम काले हो जाते हैं, नेचुरल ब्लैक हो जाते हैं और उससे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। और जो मुल्तानी मिट्टी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो ये है मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच मैंने ले ली है, और ये मेरे पास गुलाब जल है जिसमें कि मैंने ग्लिसरीन और नींबू मिलाया हुआ है। इसको मैं अपने हाथों पर लगाती हूँ रात को सोने से पहले, तो इसी को मैं इसमें डाल लेती हूँ, ये चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने मिक्स कर लिया है एकदम, और फिर मैं इसको अपने चेहरे पर लगा लूँगी। ये गाइस एकदम नेचुरल तरीका है अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने का। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आने लगे थे और मतलब चेहरा एकदम मुरझाया सा रहने लगा था, तब मैंने मुझे ये प्रोडक्ट मिला। और आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एकदम नेचुरल है, 100% नेचुरल चीज़ें हैं ये, और अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और ये फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हैं और ये अमेज़ोन पर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये मैं 15-20 मिनट के लिए मैं इसको लगा लेती हूं और फिर बाद में थोड़ा गुनगुना पानी लेके और अपने हैंकी से मैं इसको गीला कर करके इसको हटा लेती हूं, और बाद में अपने चेहरे को वॉश कर लेती हूं। तो मेरा चेहरा ना एकदम मतलब स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, फील जो आता है बहुत ही अच्छा फील आता है बाद में। देख सकते हैं आप चेहरा एकदम क्लीन हो गया है। तो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैंने जो भी आपके साथ प्रोडक्ट शेयर किए हैं उन्हें प्लीज़ आप यूज़ कीजिएगा, एकदम नेचुरल हैं और हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। और मैं इन्हें पिछले 1.5-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदे इसके नज़र आए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।